तो दोस्तों, आप अमेरिका के जीपीएस के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि जिस फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी जीपीएस की सुविधा मौजूद है। जैसे ही आप जीपीएस को ऑन करेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर, वैसे ही अमेरिका के जीपीएस सर्विस से संबंधित जितने भी सैटेलाइट हैं उनसे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी लगाई जा सकती है। अब इस जीपीएस की अगर बात की जाए तो इसे कई सारे क्षेत्रों में काम लिया जा सकता है, जो सिविलियन के साथ साथ हमारे डिफेंस के क्षेत्र में भी काम आता है। जो हमारी मिसाइल्स होती है, जिन्हें हम लोग गाइडेड मिसाइल्स कहते हैं, जहां चाहते हैं वहीं पर जाकर वो अटैक करती है, इसके पीछे भी जीपीएस जैसा सिस्टम ही काम करता है। यानी लोकेशन तो हमें चाहिए ही होगी, तभी ना जाकर हम लोग पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर पाएंगे, तो उसके लिए भी इस तरह की सर्विसेज की आवश्यकता होती है। अब आपको जानकर गर्व होगा कि इस तरह का नेविगेशन सिस्टम बनाने वाले कुछ गिने चुने देश ही हैं। एक तो अमेरिका है जिसके पास जीपीएस है, इसके अलावा रशिया है जिसके पास इस तरह का सिस्टम मौजूद है और इसका नाम है ग्लोनास। इसके अलावा चाइना है जिसके पास भी इस तरह का सिस्टम मौजूद है, ब्यूडियो से इसे संबोधित किया जाता है। इसके अलावा जापान के पास भी है QZSS। इसके अतिरिक्त यूरोपियन देशों के पास भी संयुक्त रूप से यह सिस्टम मौजूद है, जिसे गैलीलियो कहा जाता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत के इसरो द्वारा भी इस तरह का सिस्टम बनाया गया है, जिसे नाविक कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि 1999 में हमारे पास नाविक सिस्टम नहीं होता था। इस वजह से जब पाकिस्तान की सेना द्वारा एक सरप्राइज अटैक किया गया था कारगिल में, उस दौरान हमें इनकी लोकेशन ही नहीं पता थी। अब यह आपको बताने की जरूरत है नहीं कि उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका की कितनी नजदीकियां थी। तो जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी कि आप अपने जीपीएस के जरिए हमें इनकी लोकेशन बताने में मदद कीजिए कि ये पहाड़ों के किस क्षेत्र में छुपे बैठे हैं, तो उस दौरान अमेरिका ने भारत को ये मदद करने से मना कर दिया और भारत को किसी तरह की कोई लोकेशन पाकिस्तानी फोर्सेस की नहीं दी, जिसके बाद भारत कॉन्शियस हुआ और भारत ने इसके बाद इनका डेवलपमेंट शुरू किया। 1999 के वॉर के बारे में अगर बात की जाए तो ये वॉर हम लोगों ने जीत जरूर लिया था, लेकिन कई सारी चीजों के मामले में हम लोग एक्सपोज हुए थे। यानी कई सारे एसेंशियल चीजें हमारे पास इस युद्ध के दौरान नहीं थी, जिन्हें हासिल करने के लिए प्रयास हमने 1999 के बाद ही शुरू किए। तो 1999 का वॉर ही है जिसने भारत को आज का भारत बनाया है, इस बात को याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो। इसके बाद इसरो द्वारा ये सिस्टम फाइनली बना लिया गया। और आज की बात की जाए तो 10:42 पर इसी नेविगेशन सिस्टम से संबंधित एक सैटेलाइट इसरो लॉन्च करने जा रहा है। शायद आप ये वीडियो जब देख रहे हो उस समय लॉन्चिंग चल रही हो या इसकी लॉन्च हो चुकी हो। बताया जा रहा है कि आज नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा, जिसे कि जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV-F12 से लॉन्च किया जाएगा। और इस तरह की जो सैटेलाइट हम लोगों ने 2016 में लॉन्च की थी, जिसे नाम दिया गया था IRN-SS-1G, उस सैटेलाइट को रिप्लेस कर देगा। और ये जो 2016 में IRN-SS-1G सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, ये इस नाविक सिस्टम की 7वीं सैटेलाइट थी, जिसे कि आज और उन्नत बनाकर हम लोग फाइनली पुरानी वाली को रिप्लेस कर देंगे। अब इस मौके पर आप इसरो को बधाई दीजिए और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद लॉन्चिंग के बाद बात की जाएगी।